नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज है 3 मार्च 2024, वार है रविवार। बाकी आज मैं मंडी आया था ताकि आपको 4 मार्च 2024 वार सोमवार के लिए लहसुन जो कि मंडी में बिकने के लिए कितनी आई हुई है, बाहर वाहनों की क्या स्थिति है, मंडी प्रांगण के अंदर की क्या स्थिति है, तमाम प्रकार की आवक की अपडेट लेने के लिए आज रविवार को भी मैं पिपलिया मंडी में आया था ताकि आपको यहां पर आवक की जानकारी दे सकूं। और जैसे ही मैं मंडी में आया, किसान मित्रों, जिस प्रकार से आप ये वीडियो देख कर चौंक रहे हैं, वैसे ही मैं भी एक पल के लिए तो चौंक गया था कि ये क्या हुआ, मंडी में कोई भी आवक नहीं है। पर जब मैंने यहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ करी तो पता चला है कि यहाँ पर जो मंडी में है, यहाँ की व्यवस्थाओं को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाया जा रहा है। यानी कि जैसे कि बार बार भी देखने को मिलता है, जो रास्ते में जो लहसुन खाली कर दी जाती थी किसान मित्रों द्वारा, तो जो हम्माल बंधु है उनको परेशानी होती थी। तो कहीं ना कहीं इसके चलते मंडी बंद भी रहती, अगर आपको ज्ञात हो तो। इसीलिए थोड़ी सी मंडी की व्यवस्थाओं में यहाँ पर सुधार किया गया है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पीले पट्टे यहाँ पर पूरी मंडी में, जैसा कि ये चद्दर नंबर 3रा शेड है, ये बीच वाला है और वो पहला वाला अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो छपरा है, ये जो पीला जो पट्टा है किसान मित्रों, अगर आपको देख पा रहे होंगे, इस पट्टे के उधर ही आपको लहसुन को डालना है। अगर इधर आपने अगर लहसुन डाली है, आधा ढेर भी अगर इधर आपने किया है, तो ढेर आपका लीलाम नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए आज जो वाहन है उनको मंडी प्रांगण के अंदर जगह नहीं दी गई है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर जो ये पट्टे बनाने का जो काम कर रहे हैं, तो उनको अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं किसान साथियों, आवक की बात करते बाहर वाहनों की, तो मैं अभी गिन के आया हूं अपने मंडी गेट से लेकर के जो प्रेरणा स्कूल है, जो नगर पालिका का गेट लगा हुआ है वहां तक, जो कि मैं वीडियो भी बना के आया हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये वीडियो क्लिप लगा रहा हूँ, तो यहाँ तक ये वाहन है। लगभग 70 वाहन प्रतीक्षा में खड़े हैं। हालांकि सभी छोटे ही वाहन है, पिकअप है, ट्रैक्टर है, कोई बड़े वाहन आइशर गाड़ियां जैसे देखने को नहीं मिली है, छोटे ही वाहन है 70। और पूरी मंडी की बात करते हैं तो लगभग खाली ही देखने को यहां पर मिल रही है, जैसा कि देखते हैं। और यहां पर ये हमारे पेंटर साहब यहां पर ये पट्टे लगा रहे हैं। ये पट्टे क्यों लगा रहे भैया? इधर माल होगा, इधर होगा कि इधर? अच्छा, ये जो आपने रास्ता छोड़ा है, ये रास्ता ही है, मतलब ये किसान मित्र जो ठेला गाड़ी वालों के लिए, यानी कि ये आम रास्ता है, इस रास्ते पर अगर आप लहसुन को खाली करेंगे तो आपका जो ढेर है वो लीलाम नहीं होगा। और ये जी परिचय बताइए पेंटर साहब अपना। ये नारायणगढ़ वाले पेंटर साहब अपने मित्र है जी। तो देख सकते हैं पूरी मंडी में ऐसे पट्टे किए आपने? पूरी मंडी में कर दिए चकाचक? हो गया काम पूरा? लगभग शाम तक हो जाएगा। तो जो किसान मित्रों वाहन है 60-70 वाहन, उन वाहनों को शाम को 7-8 बजे ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा, ताकि ये जो पट्टे हैं इनका काम सुचारू रूप से किया जा सके। अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूरी मंडी में यहाँ पर ये पीले कलर के पट्टे लगा दिए हैं, ताकि अब थोड़ी सी यहाँ पर आवक है वो रास्ते में खाली नहीं होगी और मंडी थोड़ी सी सुव्यवस्थित ढंग से चलेगी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये छोटी सी जो अपडेट थी किसान मित्रों आप तक पहुँचाना थी, तो ये पहुँचा दी है। अब आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों में शेयर करना। एक बार मोटा मोटी चीज़ आपको बता देता हूँ, मंडी पूरी तरीके से खाली है और 70 वाहन के लगभग बाहर प्रतीक्षा में खड़े हैं। और अगर शाम की वाहन की बात करते हैं तो लगभग जैसे बाइक वालों के लिए भी इन्होंने समय निर्धारित कर दिया, 8:30 बजे से लगाकर 9 बजे तक बाइक वालों को भी लेंगे, तो इनको बाइक वालों के लिए भी जगह रखनी पड़ेगी। इस हिसाब से लगभग 50 वाहनों को, मैं अनुमान से कह रहा हूँ, 50 वाहन को अंदर प्रवेश मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए सभी किसान मित्रों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय जवान, जय किसान।